कांग्रेस और कमलनाथ के लिए राहत की सांस लेने का वक्त फिलहाल आया नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो झटका दिया उस सदमे से अब तक उभर नहीं सके हैं और अब दूसरे अंचलों में भी नेता कांग्रेस को तगड़ा झटका दे रहे हैं। वैसे ही सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो चुकी है। सारी तैयारी नए सिरे से करनी है। अब हालात ये है कि बुंदेलखंड के नेता भी बगावत पर आमादा हैं। प्रद्युम्न सिंह लोधी पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और जाते ही उन्हें लाभ के पद से नवाजा जा चुका है। अब राहुल लोधी और बंडा विधायक तरबर सिंह पर बीजेपी की नजर है। वैसे तो राहुल लोधी का दावा है कि वो पार्टी बदलने वाले नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए कमलनाथ ने दोनों से मुलाकात की है और उनकी बातें सुनी। पर इतने से ही काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड के चार और महाकौशल के एक कांग्रेस नेता पर बीजेपी की नजर है और वो उनसे संपर्क भी बनाए हुए है। यानी समय पर डैमेज कंट्रोल नहीं किया जा सका तो कमलनाथ को पांच का पंच पड़ना तय है।